दोस्तों 22 मार्च से चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच चेपॉक में मुकाबले से आईपीएल 2024 का आगाज होने जा रहा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आगामी सीजन आईपीएल का 18वां सीजन है और ये सीजन कई मामलों में बहुत ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों मिनी ऑक्शन होने के बावजूद आईपीएल 2024 से पहले ट्रेडिंग विंडो के जरिए आईपीएल टीमों में कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले। वही बता दें कि इस बीच खबरें भी आई कई खिलाड़ियों के बीच आपसी मतभेद की। इसके अलावा आपको बता दें कि आईपीएल 2024 से पहले कई टीमों के कप्तान भी बदलने जा रहे हैं। तो कुल मिला के यह सीजन बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है, या हम ये भी कह सकते हैं कि यह सीजन पहले से बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है। खैर आज हम इस पर बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमने आईपीएल पर डिटेल से बात की हुई है, जो कि हमारे यही चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है लीग 11 के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मुनाजिर, ये है अश्विन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीएल के कुछ ऐसे टॉप रिकॉर्ड्स के बारे में जिसको बतौर आईपीएल फैंस आपको जरूर जानने चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईपीएल के डेब्यू मैच से। सबसे डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो रिकॉर्ड है ब्रेंडन मैकलम के नाम, उन्होंने अपने आईपीएल के पहले ही मैच में 158 रन बनाए थे 73 गेंदों में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ। और जब रिकॉर्ड की बात हो ही रही है और उसमें विराट कोहली का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ऐसे में इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली ही विराजमान है। आपको बता दें कि आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली सबसे आगे हैं। उनके नाम आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में 973 रन दर्ज है। यह कारनामा विराट कोहली ने साल 2016 में किया था। तो बढ़ते हैं तीसरे रिकॉर्ड की तरफ, आईपीएल में सबसे लंबे छक्के का रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड है एलबी मोरगल के नाम, इन्होंने साल 2008 में चेन्नई की तरफ से खेलते हुए 125 मीटर का सबसे लंबा छक्का लगाया था। अब बढ़ते हैं चौथे रिकॉर्ड की तरफ, इसके रचयिता है क्रिस गेल। बता दें कि क्रिस गेल ने आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी इंडिविजुअल पारी खेली है। उन्होंने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 175 रन की नाबाद पारी खेली थी। वहीं इसी मैच में टीम का भी सबसे बड़ा स्कोर देखने को मिला था, जो कि 263 रन का था। तो बढ़ते हैं पांचवें रिकॉर्ड की तरफ, जो है राजस्थान रॉयल्स के नाम, इन्होंने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी चेज की थी जो थी 226 रनों की। बताते इस मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले बारी बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए थे, जवाब में राजस्थान रॉयल ने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी चेज की थी। अब एक छठे रिकॉर्ड की ओर बढ़ते हैं। बता दें कि यह आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है। इस मामले में क्रिस गेल सबसे पहले नंबर पर है। इन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा 357 छक्के जड़ने का कारनामा किया है। इसके लिए उन्होंने महज 142 मैच खेले हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा काबिज हैं, जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में 257 छक्के जड़े हैं। तो बढ़ते हैं सातवें रिकॉर्ड की ओर, जो कि है सबसे ज्यादा चौकों का रिकॉर्ड। जी हाँ, सबसे ज्यादा चौकों का रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है, जिन्होंने 750 चौके मारे हुए। उन्होंने ये रिकॉर्ड 217 मैचों में बनाए हुए। तो आज के आठवें रिकॉर्ड की अगर बात करें तो बता दें कि यह आईपीएल के इतिहास में किसी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का है। इस मामले में विराट कोहली पहले नंबर पर काबिज है। विराट कोहली ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा 7263 रन बनाने का कारनामा किया है, जिसके लिए उन्होंने 263 मैच खेले हैं। तो बढ़ते हैं नौवें रिकॉर्ड की ओर, ये रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने अपने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाई है। जी हाँ, विराट कोहली के नाम 7 सेंचुरी है, इसके बाद उन्हीं के टीममेट क्रिस गेल के नाम 6 सेंचुरी है। अगर बात 10वें रिकॉर्ड की जाए तो बता दें कि यह है जीत के मामले में सबसे बड़ी मार्जिन से जीत का है। यह रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के नाम दर्ज है। मुंबई इंडियंस ने साल 2017 में दिल्ली कैपिटल्स को 146 रनों के बड़े अंतर से हराया था और यह अभी तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़े अंतर से दर्ज की गई जीत है। बता दें कि इस मैच के दौरान मुंबई इंडियंस ने कुल 212 रन बनाए थे, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 66 रनों पर सिमट गई थी। तो बढ़ते हैं 11वें रिकॉर्ड की ओर, जो कि फिर से मुंबई इंडियंस के नाम है। मुंबई इंडियंस ने अपना सबसे बड़ी जीत जो गेंदों से मोस्ट रन बाय बॉल्स के मार्जिन से 87 गेंद रहते हुए मैच जीत लिया था, जो मैच केकेआर के अगेंस्ट था। ये मैच 2008 में खेला गया था, जिसमें मुंबई ने केकेआर को 69 रन पे ऑल आउट कर दिया था और महज 5.3 ओवर में ये मैच जीत लिया था। अब बढ़ते हैं 12वें रिकॉर्ड की तरफ, यह है आईपीएल के एक सीजन में किसी टीम द्वारा सबसे ज्यादा दर्ज की गई जीत को लेकर। इस मामले में राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब संयुक्त रूप से पहले स्थान पर काबिज है। बता दें कि दोनों टीमों ने सबसे ज्यादा 11-11 जीत दर्ज की है, जहां राजस्थान रॉयल्स ने साल 2008 में 11 जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स साल 2014 में एक सीजन में सबसे ज्यादा 11 जीत हासिल किए थे। तो बढ़ते हैं अपने 13वें रिकॉर्ड की ओर, तो ये है सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड शॉन टेट के नाम है, जिन्होंने सीजन 2011 में 157.73 की गति से गेंद फेंकी थी और ये गेंद उन्होंने एरन फिंच को फेंकी थी।
इसके बाद अगर मैं भारतीय की बात करूं, सबसे तेज भारतीय गेंदबाज रहे हैं उमरान मलिक, जो सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते हैं, और इन्होंने सबसे तेज 156 की गति से गेंद फेंकी है। अब 14वें रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बता दें कि यह है किसी एक खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में, तो बता दें कि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में सबसे पहले नंबर पर युजवेंद्र चहल का नाम शामिल है। इस खिलाड़ी ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा 187 विकेट लेने का कारनामा किया है, जिसके लिए उन्होंने 145 मैच खेले हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने 15वें रिकॉर्ड की ओर। तो ये रिकॉर्ड बेस्ट बॉलिंग फिगर का रिकॉर्ड है। इसमें एक तेज गेंदबाज अलजाय जोसेफ सबसे ऊपर है। इन्होंने 12 रन देकर 6 विकेट लिए थे सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ सन 2019 में। अब आ जाते हैं हमारे आज के इस वीडियो के 16वें रिकॉर्ड के बारे में। बता दें कि यह है किसी एक सीजन में किसी गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लेने का। बता दें कि इस मामले में दो गेंदबाज संयुक्त रूप से पहले स्थान पर काबिज हैं, जिसमें शामिल है हर्षल पटेल और ड्वेन ब्रावो। दोनों ही खिलाड़ियों ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा एक सीजन में 32-32 विकेट लेने का कारनामा किया है, जहां एक ओर हर्षल पटेल ने साल 2021 में 15 मैच खेल करके 32 विकेट लिए थे, वहीं दूसरी ओर ड्वेन ब्रावो ने साल 2013 में 18 मैच खेलकर 32 विकेट चटकाने का कारनामा किया था। तो अब बढ़ते हैं अपने 17वें रिकॉर्ड की ओर। तो ये रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का। तो एक फील्डर के द्वारा सबसे कैच पकड़े जाने के लिए मामले में सुरेश रैना सबसे ऊपर है, जिन्होंने 109 कैच पकड़ी है 205 मैचेस में। अब आ जाते हैं हमारे आज के 18वें रिकॉर्ड पे। यह है आईपीएल के इतिहास में किसी कप्तान द्वारा सबसे ज्यादा मैच जीत दर्ज के मामले में। बता दें कि इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी पहले स्थान पर काबिज हैं। महेंद्र सिंह धोनी के नाम आईपीएल के इतिहास में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत दर्ज है, जहां उन्होंने आईपीएल के इतिहास में बतौर कप्तान खेले गए 226 मैचों में 133 में जीत दर्ज की है। तो आज का हमारा 19वां रिकॉर्ड है बिगेस्ट पार्टनरशिप इन आईपीएल हिस्ट्री। तो ये रिकॉर्ड है विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के नाम। इन दोनों ने साल 2016 में 229 रन की पार्टनरशिप की थी गुजरात लायंस के अगेंस्ट। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के बीच में है, जो है 216 रनों की, जो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट आई हुई। एक और रिकॉर्ड की बात करें तो यह है आईपीएल के इतिहास में किसी टीम द्वारा लगातार सबसे ज्यादा मैच जीत दर्ज के मामले में। बता दें कि इस मामले में कोलकाता नाइट राइडर्स पहले नंबर पर विराजमान है। इस टीम ने आईपीएल के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा जीत दर्ज की है, जिन्होंने साल 2014 और 15 सीजन में मिला करके लगातार 10 मुकाबले जीते थे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले रिकॉर्ड की ओर। तो ये है सबसे कम रन बनाने का रिकॉर्ड। जी हाँ, ये थोड़ा अजीब रिकॉर्ड है। तो ये रिकॉर्ड आरसीबी के नाम है। उन्होंने 2017 में केकेआर के अगेंस्ट सिर्फ मात्र 49 रन पर सिमट गई थी आरसीबी। तो देखना होगा कि अगले कुछ सीजन में ये रिकॉर्ड टूट पाता है कि नहीं टूट पाता। पिछले 7 सालों से रिकॉर्ड अभी तक कायम है और आरसीबी इस लिस्ट में टॉप पे है। आज की इस वीडियो की आखिरी रिकॉर्ड है आईपीएल के इतिहास में किसी बल्लेबाज द्वारा एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का। बता दें कि इस मामले में दो खिलाड़ी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर काबिज हैं, जिसमें शामिल है क्रिस गेल और रविंद्र जडेजा। इन दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल के इतिहास में एक ओवर में सबसे ज्यादा 37 रन बनाने का कारनामा किया है, जहां एक ओवर क्रिस गेल ने साल 2011 में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए कोची के खिलाफ एक ओवर में 37 रन बनाए थे, वहीं दूसरी ओर रविंद्र जडेजा साल 2021 में सीएसके की तरफ से खेलते हुए आरसीबी के खिलाफ एक ओवर में 37 रन बनाने का कारनामा किया था।